वेलकम टू माई YouTube चैनल अंडर बायो टेक्नोलॉजी। सो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटोन वॉन लीवेनहुक ऑफ होलैंड इन द ईयर 1683। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने बैक्टीरिया का डिस्कवर किया था सन 1683 में। लीवेनहुक इज कॉल्ड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीवेनहुक को बोला जाता है। सो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया एंड लॉजी का मीन्स स्टडी। सो इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया डिफाइन एज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया को हम डिफाइन करते हैं माइक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स कि ये नेकेडाइज्ड होते हैं, हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, हमें देखने के लिए इसे माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ये इतने छोटे होते हैं बैक्टीरिया। एंड सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म, ये एक ही सेल से बने होते हैं, इनमें और भी कोई सेल्स नहीं होती हैं। दैट कैन पेंट्रेट इंटू हेल्दी टिश्यूज एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इंटू वास्ट नंबर, मीन्स ये हेल्दी टिश्यू में घुसकर बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में। और जैसा कि हमें पता है कि बैक्टीरिया आर अमंग फास्टेस्ट रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट, दीज आर यूनिसेलर फ्री लिविंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। दैट मीन्स कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और हम इसे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। थर्ड पॉइंट, दोज आर बिलोंग टू किंगडम्स एंट्रोकैरियोट मोनरा। आर एच विटेकर जो थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में डिवाइड कर दिया था, उनके सेल स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। और मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स थे जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया ऑल्सो कम अंडर दिस किंगडम। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स कि जितने भी इस किंगडम में ऑर्गेनिज्म है इसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। दे अकर्स इन वाटर, सॉइल, एयर एंड ऑल नेचुरल एनवायरमेंट्स, दैट मीन्स कि ये वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल है और जितने भी नेचुरल एनवायरमेंट्स हैं। जो बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो 0.75 टू 4.0 माइक्रोमीटर होती है एंड दे आर फाउंड इन स्फेरिकल शेप, कोकाई फॉर्म, सिलेंडर फॉर्म, रॉड शेप फॉर्म। बैक्टीरिया के काफ़ी तरह के शेप्स हो सकते हैं जैसे कि स्फेरिकल, कोकाई, सिलेंडर शेप। द कोकाई ऑफ डायमीटर नियर अबाउट 1 माइक्रोमीटर एंड बैसिलाई आर 1 to 8 माइक्रोमीटर। दैट मीन्स जो कोकाई का जो डायमीटर है वो 1 माइक्रोमीटर है एंड जो बैसिलाई का है वो 1 to 8 माइक्रोमीटर है। जैसे कि कोकाई, बैसिलाई, विब्रो, एक्टिनोमाइसिटीज, माइक्रोप्लाज्मा, स्पाइरिला, स्पाइरो। जो कोकाई शेप की बैक्टीरिया होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, स्फेरिकल होती है, ओवल शेप की होती है। इन अ ग्रीक कोकोज मीन्स बेरी। जैसे कि हमने बेरी देखी है, बहुत ही छोटी होती है और राउंडेड होती है और इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। ये बैसिली शेप का जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप्ड का है और इट इज़ डाइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मतलब कि ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जैसे कि बैसिलम मीनिंग स्टिक। ये बैसिलम ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है स्टिक। सम बैसिलाई द लेंथ ऑफ द सेल्स मे बी इक्वल विथ दोज कॉल्ड कोको बैसिलाई, एग्जाम्पल ब्रैसिला। विब्रो, विब्रोज आर कॉमा इन शेप्ड कर्व्ड रॉड्स, दैट मीन्स कि जो विब्रोज शेप की जो बैक्टीरिया होती हैं वो कॉमा शेप की होती हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं ये हल्की सी कर्व है, इसलिए हम कर्व रॉड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल विब्रियो कॉमा स्पाइरिलिया, मतलब दोज आर लॉन्गर रिजिड रॉड्स विद सेवरल कर्व्स और कॉइल्स। ये लॉन्गर होती है, रिजिड रॉड होती है एंड कर्व कॉइल्स होती है, जैसे लाइक अ कॉइल स्पाइरल शेप की कह सकते हैं हम, स्पाइरल शेप की होती है। दोज आर हेलिकल इन शेप एंड रैपिड बॉडीज, इसकी जो शेप होती है वो हेलिकल होती है, जस्ट मीन्स जैसे कि हल्की सी कर्व टाइप, हल्की सी कॉइलिंग टाइप। एग्जाम्पल स्पाइरलम एंड एक्टिनोमाइसिटीज, दीज आर ब्रांचिंग फिलामेंटस, मतलब कि जो एक्टिनोमाइसिटीज होती है वो फिलामेंटस बैक्टीरिया होती है। इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल हो तो जैसे कि बारिश होती है, बारिश जब होती है जो मिट्टी की जो स्मेल आती है वो एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया के कारण ही आती है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, जो ये सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो वो पिलाई है और जो टेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसे फ्लैगजिला बोलते हैं। फ्लैगजिला जो होते हैं वो मूवमेंट्स में काम आते हैं। जिला जो होते हैं मेनली लोकोमोशन ऑफ बॉडी होते हैं, मतलब मूवमेंट्स कराता है बॉडी का। कैप्सूल है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है एंड पिलाई है और फ्लैगजिला है। न्यूक्लियॉइड्स, साइटोप्लाज्म और इन सब चीज़ों से कंप्लीट बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनता है। एंड एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर एजुकेशन कॉन्टेंट लाइक दिस।